For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Gauhar Khan इस शो को बहुत ही ज्यादा keenly observe कर रही है. जी हाँ, वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा. मैं हूँ ज्योति नाहक. बिग बॉस के सीजन को एक्स कंटेस्टेंट्स, करंट कंटेस्टेंट्स, मे बी फ्यूचर कंटेस्टेंट्स, सब कोई बड़ा ही कीनली ऑब्जर्व करते हैं और जो एक्स विनर्स रह चुके हैं वो भी बहुत गौर से देखते हैं बिग बॉस. ऐसे में गौहर खान ने हाल ही में एक ट्वीट किया है जहाँ पर उन्होंने शहनाज को सपोर्ट करते हुए ये कहा है कि जागो शहनाज जागो. जी हाँ, शहनाज को लेकर उन्होंने ये बात कही है कि सिद्धार्थ ने जिस तरीके से शहनाज से कहा कि तुम अपने माँ बाप की नहीं हो तो तुम मेरी क्या होगी, इस तरीके की तमाम चीज़ें जो शहनाज को कही गई, उस पर गौहर खान का रिएक्शन ये आया कि दोस्ती अपनी जगह है, व्हाट काइंड ऑफ अ दोस्ती इज इट कि आप अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले रहे हो और सिद्धार्थ शुक्ला आपको इतना कुछ कह रहे हैं उसके बाद भी आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो. तो इस चीज़ पर शहनाज को कह दिया है कि जागो शहनाज जागो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे आगे रखो. जी हाँ, ये बात कह दी है क्योंकि सिद्धार्थ के इतना कुछ कहने के बाद भी शहनाज उनसे माफी मांगती, उनसे बात करती, उनके पास जाती हुई नजर आई और कहना कि शहनाज को जिस तरीके से सिद्धार्थ ने कहा कि तू मेरी तो क्या है, तू किसी की नहीं हो सकती, इस तरह की बातें एक लड़की के लिए कहना बहुत ही गलत है और इसी बात पर स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है शहनाज गिल को बाय गौहर खान. और सिद्धार्थ को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये किस तरह की दोस्ती है, आप अपने दोस्त को इस तरह की बातें कह रहे हैं. तो ये था गौहर का रिएक्शन. अब आप अपना रिएक्शन दीजिए, बताइए मुझे वीडियो पे जाकर कि आपको क्या लगता है. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ. Man, Aseem is going to next level. Irritating another level. Yes, इतना ज़्यादा irritating behave कर रहे हैं Aseem. Last weekend का बार पर उनसे कहा गया था कि आप दिख नहीं रहे हैं तो उन्हें सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला ही क्यों मिलते हैं फाइट करने के लिए और फाइट में उन्होंने इतनी घटिया बात बोली है. फिक्स डिपॉजिट कह दिया है आरती को. जी हाँ, आरती को इंडल्ज कर लिया है उन्होंने फाइट में ऑल ऑफ अ सडन और उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला से कहा कि सिद्धार्थ तेरा फिक्स डिपॉजिट है आरती और बाकी सब तो टेम्पररी अकाउंट्स है. इसका कितना घटिया मतलब निकलता है ये हम सभी जानते हैं और Aseem कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं सभी की हिट लिस्ट में आने का. और जिस तरीके से ये घटिया बात Aseem ने बोली है, हम प्रोमो में दिखाया जा रहा है आरती काफी ज्यादा इमोशनल हो गई, काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ है उनको ये चीज और साथ ही साथ सिद्धार्थ भी पूरी तरीके से स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं आरती का, बहुत डांटते हुए नजर आ रहे हैं Aseem रियाज को. आरती लेकिन यहाँ पर टूट चुकी है और आरती जो है कन्फेशन रूम में जाती है बिग बॉस से कहती है मुझे ये सारी बातें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं. तो कहीं ना कहीं इस चीज पर Aseem जो है डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा नेगेटिव नजर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं. वो कहते हैं वो लड़कियों की इज्जत करते हैं लेकिन यहाँ पर आरती को लेकर जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं Aseem, यहाँ से कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि वो इज्जत कर रहे हैं आरती की. इस पर आपका क्या ओपिनियन है ये आप लोग मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में और Aseem के जितने Aseem स्क्वाड्स हैं उनका क्या रिएक्शन है वो भी मैं जानना चाहूंगी. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ. वीकेंड का वार पर सलमान खान नहीं आएंगे नजर. जी हाँ, शॉक हो रहे हैं आप तो शॉक भी हो जाइए और सरप्राइज भी हो जाइए क्योंकि लेकर आ गई हूँ मैं इस दिन की यानी कि आज के दिन की सबसे बड़ी गॉसिप और वो ये है कि वीकेंड का वार पर सलमान खान नहीं नजर आएंगे बल्कि सैफ अली खान. जी हाँ, बॉलीवुड के नवाब नजर आने वाले हैं वीकेंड कवार पर. वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति नाहक. बिग बॉस के घर में एपिसोड जितने फेमस है उससे ज्यादा, उससे कहीं गुना ज्यादा वीकेंड कवार फेमस होते हैं और जब भी हम सलमान खान को देखते हैं हमें एक उम्मीद होती है कि हमारी बात जो है वो सलमान खान कंटेस्टेंट्स तक पहुंचाएंगे, घर के अंदर जो भी कंटेस्टेंट्स है जो रह रहे हैं उन तक बातें पहुंचाई जाएंगी. ऐसे में सलमान खान जो है वो इस बार वीकेंड कवार पर बाट लगाते नजर नहीं आएंगे बल्कि सैफ अली खान घर के बाहर एज अ होस्ट शो को होस्ट करते नजर आएंगे. जी हाँ, वेल जब सीजन एक्सटेंड हुआ ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि फराह खान शायद सीजन में नजर आएंगी यू नो होस्ट करती हुई, लेकिन अब पिंक विला की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि सैफ अली खान घर के होस्ट बनेंगे. इस बार वीकेंड का वार पर सैफ अली खान नजर आएंगे होस्ट करते हुए और साथ ही साथ कंटेस्टेंट्स को फटकार भी लगाएंगे जैसे सलमान खान लगाते थे. अब ये एक एपिसोड के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए है ये बात हमें तभी पता चलेगी जब वीकेंड का वार आएगा और जब ऑफिशियल कन्फर्मेशन आएगी, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन ना होने की वजह से हम सिर्फ इस बात को कह सकते हैं कि शायद एक एपिसोड के लिए ऐसा करा जा रहा हो. बाकी आप लोग बताइए कि इस खबर से आप खुश हैं या नहीं, ये आपके ऊपर छोड़ा मैंने. बाकी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को. मैं हूं ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.
हेलो गाइस, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। बिग बॉस के घर में सभी कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को हर बार कुछ ना कुछ कहते नजर आते हैं, लेकिन इस बार आसिम ने जो कहा है उस पर घरवालों के घरवालों ने यानी कि शिफाली के हस्बैंड पराग त्यागी ने एक सॉलिड रिएक्शन दिया है। वेल, जिस तरीके से बहस में आसिम ने ये बात कही कि कोई आया था ना तेरा नल्ला, तो आप हाथ रखकर इतनी घटिया बात कर रहे हो। अगर यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, अगर सिद्धार्थ उमेर को फाइट में बीच में लेकर आए थे कि एक तेरा भाई था जो सबसे बड़ी गलती था और फिर तू था सबसे बड़ी गलती, तब आसिम ने कहा था कि आप मेरे साथ गेम में हो, आप मुझसे बात करो, आप मेरे बात करो, आप मेरे भाई पर मत जाओ। सेम चीज आसिम ने भी की। अब आप क्या कहना चाहोगे इस चीज पर आसिम? सेम चीज आपने भी करी, आपने शिफाली के हस्बैंड पराग त्यागी को क्यों बोला, वो भी वो इंसान जो आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया था। जी हाँ, यही रिएक्शन पराग ने भी दिया है जैसा हम रिएक्ट कर रहे हैं। पराग ने एक वीडियो डाला है जहाँ पर उन्होंने ओपन चैलेंज किया है आसिम व्यास को। पहले तो आपको ये वीडियो दिखाती हूँ। इतना गिर जाओगे, मुझे उम्मीद नहीं थी बॉस। क्या बोला तुमने आज मेरी परी को कि आया था ना कोई तेरा नल्ला मुंह पे हाथ रख के? हाँ, किसकी बात कर रहे हो तुम उस इंसान की बात कर रहे हो जो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी लेके आया था, तुम्हारे लिए वो मैसेज लेके आया था जो शायद तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी थी, उसकी बात कर रहे हो? वो छोड़ो, नल्ले की बात कर रहे हो ना तुम। आया था ना कोई तेरा नल्ला, ये पराग त्यागी ओपन मैसेज दे रहा है आसिम रियाज चौधरी तुम्हें और तुम्हारे सारे फैंस को। अगर पराग त्यागी को थोड़ी देर के लिए भी, 5 मिनट के लिए भी अगर मुझे मौका मिला ना बिग बॉस के घर में जाने का, तो मैं बता दूंगा कि असली नल्ला कौन है। मुझे मालूम है बहुत मुश्किल है वो, लेकिन बिग बॉस जिंदगी भर तो चलने वाला नहीं है बॉस, जिंदगी भर तो नहीं चलेगा। 3 हफ्ते की बात है सिर्फ, 3 हफ्ते। पराग त्यागी प्रॉमिस कर रहे हैं बिग बॉस खत्म होने के बाद बिग बॉस के सेट पे मिलूंगा और बताऊंगा कि असली नल्ला कौन है। अगर नहीं बताया ना तो मेरे मुंह पे थूक देना, मुंह पे। अरे मुंह पे हाथ रख के बोलता है आया था ना कोई तेरा नल्ला? बेटा मैं गारंटी से बोलता हूं, ये बात तू मेरी बीवी के मुंह पे बोल के दिखाता ना, मेरा तो छोड़ वही तुझे फाड़ देती। अब इस वीडियो पर आपका क्या कहना है और आपका क्या ओपिनियन है इस चीज पर? आसिम की ये जो बात थी, कोई आया था तेरा नल्ला, इस चीज पर आपका क्या रिएक्शन है, आप लोग मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। Now I think Big Boss is all about Shehnaz और सिद्धार्थ का पैचअप कब होगा, बिकॉज बाहर भी पीपल आर एवरीथिंग यू नो टॉकिंग अबाउट कि शहनाज और सिद्धार्थ का ब्रेकअप जो हो गया है वो पैचअप में कब बदलेगा। सो हाल ही में लड़ाई जब कैप्टनसी टास्क आता है उससे पहले हम देखते हैं कि शहनाज काफ़ी मनाने की कोशिश कर रही, क्योंकि 3 से 4 दिन हो चुके हैं वीकेंड का वार खत्म होने के बाद से इन दोनों में बात नहीं हो रही है, 3-4 दिन हो चुके हैं, और ऐसे में शहनाज मनाने की कोशिश करती है सिद्धार्थ शुक्ला को। और फिर हम क्या देखते हैं, मनाने की कोशिश में ही वो देखती हैं कि यू नो सिद्धार्थ जो है समझ नहीं रहे हैं उनकी बात को और उन्हें और ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, आरती को भी सेव कर दिया नॉमिनेशंस में। ऐसे में शहनाज जो है वो कहती हैं कि अब मैं इस इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखूंगी, मैं ऐसे फेक लोगों के साथ, फेक वर्ड यूज किया है शहनाज ने सिद्धार्थ शुक्ला के लिए, वो भी पारस को कहते हुए। जी हाँ, पारस को उन्होंने कहा, पारस ने जब कहा कि सिद्धार्थ को इतना पसंद किया जा रहा है सिद्धार्थ के लिए रुक जा, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिद्धार्थ के लिए भी नहीं रुकूंगी, बिकॉज मैं फेक इंसान अपनी लाइफ में नहीं रख सकती। अब ये तो हो गई शहनाज की बात, क्योंकि शहनाज हर दूसरे दिन हर्ट हो जाती हैं और हर्ट होने के बाद वो सीरियसली नहीं बल्कि कभी मजाक में, फिर कभी सीरियस होती हैं, कभी रो देती हैं, कभी हंस देती हैं, तो एक्चुअल में वो क्या फील कर रही हैं, कितनी हर्ट है, ये बात मुझे लगता है उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला को सीरियसली समझानी चाहिए, लेकिन वो सीरियसली नहीं समझा रही हैं और हंसी मजाक पर समझा रही हैं। और जब उन्होंने फेक कहा है सिद्धार्थ शुक्ला को, तो अब जब सिद्धार्थ को ये बात पता चलेगी तो देखना ही होगा कि सिद्धार्थ क्या रिएक्ट करते हैं, लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं सिद्धार्थ को, ही इज रियली नॉट गिविंग इट अ डैम। तो सिद्धार्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिद्धार्थ कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। शहनाज हैज टू बी वेरी वेरी शार्प व्हेन शी सेज समथिंग, तभी सिद्धार्थ शायद उन्हें सीरियसली लेंगे, क्योंकि कल भी हमने एक प्रोमो देखा जहाँ सिद्धार्थ ने इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं तेरे साथ कभी टच में नहीं रहूंगा। सो इस चीज़ पर आपका क्या ओपिनियन है, ये आप लोग मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में।